खबर रीवा से है, जहां आप पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रमोद शर्मा ने प्रेस वार्ता कर कड़े शब्दों में शहर में हुई बलात्कार की घटना की निंदा की है और प्रशासनिक तंत्र पूंजीपति बिल्डर को भी पूरे घटनाक्रम के लिए आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि सर्किट हाउस में तथाकथित कथावाचक सीताराम बाबा द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से बाबा फरार है। वहीं अब मामला तूल पकड़ चुका है, क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना घटी है उसमें कई बड़े नाम संदेह के घेरे में हैं। आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का रीवा प्रवास है और इसके एक दिन ही पहले शहर में हुई इस तरह की शर्मनाक घटना पूरे प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलती है, जिसपे जो है यहाँ पर प्रशासनिक तंत्र, सामाजिक संगठन, यहाँ के पूंजीपति बिल्डर और यहाँ के शासन प्रशासन के लोग मिलकर इस बलात्कार में सहयोगी हैं। ये मेरा जो है आरोप है, इसको सिद्ध करने के लिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ बात। इस बात को लेकर मैंने जो जिस प्रकार से जो घटना यहाँ घटी, जिस प्रकार से एक शातिर जो पुराना अपराधी है वो महात्मा बन के यहाँ घूमता था, जिसका नाम सीताराम और समर्थ है, वो व्यक्ति जो है यहाँ पर जो कांड कर गया, उस कांड को लेकर दुखी होकर मैं जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। इस शहर के अंदर में समस्त जगह पे जो है ये कार्यक्रम जो है अजीत समदड़िया के द्वारा प्रायोजित किया गया था, जिसका यहाँ मॉल का उद्घाटन होना था, जिसके लिए यहाँ पर जो है वो सीताराम, जो कि पूर्व सांसद वेदांति महाराज के नाती कहलाते हैं, उनके नाती और गुड़ से ही आते हैं वो, उनके द्वारा जो है यहाँ पर विचरण किया जा रहा था। और यहाँ पर जिस प्रकार से उनको यहाँ पर राजविलास के अंदर में जो कमरा नंबर 4 जो अलॉट कराया गया, सूत्रों से हवाले से जिस प्रकार से मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया, उस पर जो है मैं आप लोगों से सवाल जवाब करने का मौका फिर से दूंगा। इस पर पूरी मेरी बात बोलने के बाद आप लोग तब तक मेरी बातें पूरी सुन लें। राजविलास कमरा नंबर 4 को बुक कराने जो सूत्र से मालूम है, अंशुल मिश्रा नाम के व्यक्ति से द्वारा जो है राजनिवास जो कमरा जो बुक हुआ, उस पे अंशुल मिश्रा नाम के जो ब्राह्मण सामाजिक संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष बताए जाते हैं, प्रांताध्यक्ष बताए जाते हैं, उनके द्वारा इसको जो है एक जो है जिला बदल के जो पूर्व अपराधी रहे हैं विनोद पांडे के नाम से बुक किया गया। ये सबसे बड़ी प्रशासन की पहली लापरवाही, जो मैंने पॉइंट बताया है कि इनके द्वारा मिली संगति से सहयोग है। ये सहयोग कैसे है इसको अलॉट करने के लिए, क्योंकि मैं भी जिला अधिकारी जिलाध्यक्ष हूँ और राज्य स्तर के कोई भी लोग जो हैं राजनिवास में कमरा बुक कराने के लिए उनको अपना प्रमाण देना होता और उनको ही ये अलॉटमेंट होता कि सामान्य व्यक्ति को ये नहीं हो सकता। इसकी देख रेख जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी जो है हुजूर के जो SDM अनुराग तिवारी और जो है वहाँ पर PWD के उपयंत्री जो है अरुण शुक्ला के द्वारा इसको देख रेख किया जा रहा था। जानकारी अनुसार अंशुल ने ये बुक कराया, जिसका मेरे को जो प्रमाण मिल रहा है अभी। इसमें पूरे शहर में कार्यक्रम होना जाना था। मैं जो है इस प्रेस के माध्यम से संजय त्रिपाठी जो कि खुद को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं ब्राह्मण समाज का, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने ये पोस्टर लगवाया जबकि आप पूरे जगह में लोग जो थोड़ा ही परिचित होंगे सीताराम सामर्थ त्रिपाठी से, थोड़ा भी, वो सब जानते हैं कि इसको जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे पहले भी जो है जेल काटी है इसने गोली चलवाई थी अपने ही यहाँ पर और एक षड्यंत्र रखा था गोंडा में जो है इसके ऊपर जो है ये जब हुआ था, ये वीडियो है इंडिया TV का।